हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, शेयर करना था आप लोगों के साथ कि मेरे पब्लिकेशन ने और एस चांद ने साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है। अब मेरी किताबों में मतलब एस चांद का भी लोगो रहेगा और एस चांद के थ्रू मैं अपनी किताबें पब्लिश कर रहा हूँ, जिसका पहला एडिशन अभी एसएससी का जो नया वाला एडिशन है ये अभी आया है। बताने की जरूरत यह है कि ये मार्केट में कुछ दिनों में, 2-4-5 दिनों में चली आएंगी किताब। ये इसमें इस किताब का एक यूएसपी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा कि इस बार पहली बार जो सीजीएल का मेंस हुआ, उस मेंस में क्वेश्चंस में जो 200 क्वेश्चन थे वो 45 हो गए, और क्वेश्चंस के मेकअप में भी चेंजेज आया। अधिकतर क्वेश्चन तो चेंज नहीं किया, जो सेक्शंस थे ऑलरेडी वैसे ही थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज आए पर्टिकुलर करके। और आपने अभी लेटेस्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा होगा एसएससी के एग्जामिनेशंस में कि सेंटेंस अरेंजमेंट को वो पर्टिकुलराइज करके थोड़ा टारगेट कर रहा है। सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर पेपर को 45 क्वेश्चन हो गए तो आपका सही बनाना, आपके मतलब गेस करने का चांस खत्म हो गया है, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी। लेकिन अब सेंटेंस अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करना, और वो भी सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस, मैंने मॉडल बनाया। मैंने 30 मॉडल इस बुक में डाले हैं, और मॉडल का जो मेकअप है वो एग्जैक्टली जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था सीजीएल मेंस का, सेम वैसा ही मैंने डाला हुआ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाऊं, अगर आपने पेपर लास्ट ईयर का देखा होगा तो ये मेरे मॉडल पेपर का एक पार्ट है। उसमें उसके क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपको याद होगा कि इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस में पूछे गए थे। S1 दे चुका था, S4 उसने दिया था, और उसके बाद उसने चार ऑप्शन दिए थे और बोला कि यहां पे दो कौन से सेंटेंस आएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही मैंने 30 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और लेवल बहुत अच्छा रखा है ताकि ये, और वो ओरिजिनल है ताकि ये आपको वैसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस मिल जाए। इसके अलावे इसके ऐसे क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, और अभी अभी मार्केट में ऐसे क्वेश्चंस का पार्ट नहीं दिया हुआ है। नेचुरली कंप्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, और कंप्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट को आपको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस वाइज आपको उसको प्रयोग करना होगा। मैंने इस इन तीन मॉडल सेट्स में जो तीन कंप्रिहेंशन आते हैं, चार चार क्वेश्चन होते हैं, उनका लेवल मैंने जानबूझ के थोड़ा अप रखा है ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपका स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं रहे। मैंने कोशिश की है कि अगर आप इस 30 सेट को अच्छे से एनालिसिस करके एक एक सेट का, तब आप नेक्स्ट सेट पे अगर जाते हो तो शायद आपके एसएससी के मेंस का टियर 2 का प्रिपरेशन ऐसा हो जाएगा कि उस दिन आपको बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा और आप एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से दे पाइएगा। मुझे लगता है कि इस बुक के इन क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि कंप्रिहेंशन में मैंने बहुत नॉवेल टाइप के, नए नए टाइप के डाले हैं, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपके इस 30 सेट में आपके सीजीएल में टियर 2 का प्रिपरेशन मैं कंप्लीट करा दूं। बुक पे अगर एस चंद का नाम है तो आप परेशान मत होइएगा, उस साथ में एमबी का भी नाम है, एमबी का भी लोगो लगा हुआ है, एस चंद भी है। सो आई होप कि ये बुक आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, और इसका प्रैक्टिस आपको एग्जैक्टली जैसे जैसे आप सोच रहे हो परफॉर्मेंस आपका करा देगा। यही इंफॉर्मेशन देना था। थैंक यू आप लोगों, थैंक यू।